आलमगीर आलम ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। पार्टी के विधायक दल से भी उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। हमारे संवाददाता मधुकर आनंद इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब आलमगीर आलम का भी इस्तीफा आ चुका है, मुश्किलों से घिर रहे हैं आलमगीर आलम। मधुकर जी, आनंद जी, देखिए, जिस दिन से ईडी की कार्रवाई हुई थी और उनकी गिरफ्तारी हुई, पहले तो पूछताछ हुई, उसके बाद गिरफ्तारी जब हुई, उसके बाद से ही लगातार तरह तरह की बातें चल रही थी कि कैबिनेट अब होटवार जेल से चलेगा, मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री पहले से ही वहां बंद थे, और उसके बाद उनके जो सबसे सीनियर साथी जो मंत्रिमंडल के थे वो भी वहां पहुंच गए, तो ये दबाव एक बन रहा था। लेकिन जिस तरह से चुनाव चल रहा था और खास करके संथाल परगना से आलमगीर आलम आते हैं और पाकुड़ उनका इलाका है जो चुनाव का इलाका होता है, और उस इलाके में कहीं ना कहीं इनका जातिगत वोट या एक तरह से कहा जाए तो मुस्लिम वोट वहां बहुत ज्यादा था, और वो प्रभावित ना हो जाए इसको लेकर के इस बात को रोका गया था कि उनका इस्तीफा ना हो। लेकिन चुनाव खत्म होने और परिणाम आने के बाद जो हालात बने, तरह चंपई सोरेन ने भी इस बात को लेकर के सीधा सख्त रवैया अपना लिया कि अब आलमगीर आलम को इस्तीफा दे देना है। उसके बाद जब मंत्री पद से इस्तीफा देने की बात हो गई तो पार्टी ने भी इसी में अपनी इज्जत बचाना ज्यादा श्रेयस्कर समझा कि जल्द से जल्द नेता विधायक दल हैं, चूंकि कांग्रेस नेता विधायक दल के रूप में आलमगीर आलम थे, तो ऐसे हालात में जो व्यक्ति जेल में बंद है वो नेता विधायक दल रहेगा तो एक संदेश के स्तर पर अच्छा नहीं जाता है, और कांग्रेस इस तरह का कोई भी अब जो है इसका कोई मतलब नहीं रह जाता था कि किसी भी वोट को, वोट के तुष्टीकरण के लिए इस तरह का कोई निर्णय लिया जाए। लिहाजा उनको दोनों तरफ से आदेश हुआ और उन्होंने इस्तीफा भी दिया, दोनों जगह से इस्तीफा दिया। ठीक है, शुक्रिया मधुकर आनंद इस पूरी जानकारी के लिए।